हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पूजा और कैसे आप सब, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो कुर्ती और कुर्ती सेट हॉल पे होने वाली है। सभी जो कुर्ती सेट है वो मैंने इस अकॉर्डिंग लिए हैं, अगर आप वेडिंग में कहीं पे जा रहे हो, शादी वगैरह में, तो उनके अकॉर्डिंग ये कुर्ती सेट होने वाली है। ज्यादा हेवी लुक में नहीं है, बट हाँ आप इनको शादियों के अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि मैंने इनको आपको स्टाइल भी करके दिखाया प्रॉपर शादियों के अकॉर्डिंग। सभी जो कुर्ती सेट है या कुर्तीज है वो मैंने मिंत्रा से परचेज करी है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने स्ट्रेट कट कुर्तीज भी दिखाई है और जो अम्ब्रेला कट कुर्तीज होती हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर चेक करिएगा, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने आउटफिट पहना है ये, इस पे मैंने ऑलरेडी एक हॉल वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो। और इस ड्रेस का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जो इयररिंग्स पहने हैं वो वॉयला के हैं, वो भी मैंने ऑनलाइन परचेज करी है, तो इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो बैंगल मैंने यहाँ पे पहना है उसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो मैंने लोकल मार्केट से परचेज करी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है, ये कुर्ती है। इसके साथ आपको कोई दुपट्टा या प्लाजो कुछ नहीं मिलेगा, एक कुर्ती है सिर्फ। और ये ब्रांड सांगरिया की है, तो सांगरिया के जो आउटफिट होते हैं वो ऑब्वियस अच्छे ही होते हैं। इसका जो फैब्रिक है ऊपर का वो ड्यूपिन टाइप का फैब्रिक है, और उसके ऊपर इस तरह से फॉइल प्रिंट बना हुआ है। फॉइल प्रिंट की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, बारीक वाला फॉइल प्रिंट है तो इजीली रिमूव नहीं होगा, बट आप इसको रफ वॉश नहीं कर सकते, आपको इसको इजी वॉश ही करना पड़ेगा। इनकी जो प्राइस है वो मुझे याद नहीं है, तो वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस कुर्ती की, तो इसमें आपको स्लीव्स की जो लेंथ है वो 3/4 स्लीव्स मिलेंगी, और स्लीव्स के आगे इस तरह से जो गोटे की पाइपिंग होती है वो लगी हुई है। नेक इसका जो अंग रखा स्टाइल का जो नेक होता है वैसा नेक इस पे बना हुआ है, बट ये सिर्फ शो के लिए बना हुआ है, ये ओपन नहीं होता है। यहाँ से नीचे आपको डोरी भी मिलेगी, बट ये डोरी भी सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज से ही लगाई गई है, और इसके नीचे बहुत ही सुंदर से आपको टसल्स मिलेंगी। जो इसका चोली पैटर्न है उसपे भी सेम जो फॉइल प्रिंट वाला फैब्रिक है वो आपको मिलेगा, बैक से भी ये फॉइल प्रिंट लगा हुआ है। जो टॉप की लेंथ है वहां तक ही आपको ये फॉइल प्रिंट मिलेगा, और नीचे की साइड आपको इसमें प्लेन फैब्रिक मिलेगा। टिल ग्रीन कलर है इस कुर्ती का, और ये कलर एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। और ये एक अम्ब्रेला कट है, ये कलियों वाला कुर्ता नहीं है, अम्ब्रेला कट है, और इसका फ्लेयर भी अच्छा है, इतना सारा फ्लेयर आपको मिलेगा, तो इसका फ्लेयर अच्छा है। अगर मैं फैब्रिक की बात करूं तो ड्यूपिन जो कॉटन मिक्स ड्यूपिन होता है, बट थोड़ी सी उसमें जो शाइन होती है उस तरह का इसका फैब्रिक है। इसका फैब्रिक एक्चुअली बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा थिक फैब्रिक है तो इसमें लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सी थ्रू नहीं है तो इसके नीचे वैसे भी लाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। बट हाँ, आप इसको पहन सकते हो लेगिंग प्लाजो इनके ऊपर, ऊपर की साइड जो ये टॉप है ये भी सी थ्रू नहीं है, तो आप इजिली, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो आप इसको आराम से पहन सकते हो। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये एंकल लेंथ से आपको ऊपर मिलेगा, अगर आपकी हाइट मेरी जितनी है 5'4" से थोड़ी ज्यादा है तो ये एंकल लेंथ से आपको ज्यादा मिलेगा, बट अगर आपकी 5 फीट हाइट है तो ये आपको एंकल लेंथ रहेगा। ओवरऑल अगर मैं कुर्ती की बात करूं तो फैब्रिक अच्छा है, लुक भी अच्छा है, आप आराम से इसको वेडिंग वगैरह पे स्टाइल कर सकते हो, जैसे मेहंदी का फंक्शन है तो उस पे भी आप आराम से इसको स्टाइल कर सकते हो। मैंने इसको एक मांगटिका और इयररिंग्स के साथ स्टाइल करा था, जो कि मैंने मीशो से परचेज करे थे, तो उनका कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो दुपट्टा मैंने ऐड करा था वो लोकल मार्केट से परचेज करा था, तो उसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है, बट हाँ अगर आप उस तरह से हैवी दुपट्टे के साथ इसको स्टाइल करते हो तो आपका लुक और भी ज्यादा, मतलब हैवी लुक आ जाता, अदरवाइज आप विदाउट दुपट्टा भी अगर आप इसको स्टाइल करते हो तो आपका लुक अच्छा आ जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा आउटफिट है वो ये है, ये कुर्ती और प्लाजो का सेट है, बट ये एकदम जो बेसिक टाइप के होते हैं, अगर आप फंक्शन में डेली में ऐसे ही डेली के अकॉर्डिंग कोई कुर्ती सेट चाहते हो शादियों में तो उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन का है, और इनकी भी प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो बात करते हैं इसके कुर्ते की, तो इसका जो फैब्रिक है वो आपको कॉटन का मिलेगा, और इसके फ्रंट पे आपको इस तरह से जो फॉइल का जो प्रिंट होता है वो वाला प्रिंट यहाँ पे बना हुआ है, मोटिव बना हुआ है, अदरवाइज पूरे कुर्ती पे ऐसा कोई ही प्रिंट नहीं है। इसमें इसका फॉइल प्रिंट बहुत ज्यादा अच्छा है,
और इसकी जो फॉइल का जो ये मोटिव बना हुआ है वो भी बहुत सुंदर है। तो 3/4 स्लीव्स है इसकी और ये स्ट्रेट कट कुर्ता है, पूरा आपको प्लेन मिलेगा, बैक से भी पूरा प्लेन है, फ्रंट से भी पूरा प्लेन है, राउंड नेक है इसकी, इसमें आपको एक साइड पॉकेट भी मिलेगी, इसमें एक्स्ट्रा कोई फॉइल प्रिंट या कोई डिजाइन नहीं बनी है, बेसिक सा ये कुर्ता है, इसके साथ ये वाली प्लाजो मिलेगी। इसका जो प्लाजो है उसके नीचे आपको इस तरह से फॉइल प्रिंट का पूरा पैटर्न बना हुआ है और इसका फॉइल प्रिंट भी एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा है। प्लाजो की जो विड्थ है वो बहुत अच्छी है, इसमें आपको फ्रंट साइड से बेल्ट मिलेगा और पीछे की साइड आपको इसमें इलास्टिक मिलेगा, साथ में आपको इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग भी मिलेंगे, अगर आपको ये ढीला रहे तो आप इसको टाइट भी कर सकते हो। प्लाजो का फैब्रिक भी एक्चुअली कॉटन है, तो प्लाजो और कुर्ती दोनों का ही फैब्रिक आपको कॉटन का मिलेगा। ये कुर्ती सेट मैंने एक्चुअली इसलिए पिक करा था कि प्लेन जो कुर्ती होते हैं ना तो उनको स्टाइल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और अगर आप जब हम वेडिंग वगैरह में होते हैं तो हमें नॉर्मल डेज के लिए कोई सिंपल ड्रेस चाहिए होती है, जिसको अगर आप एक अच्छे से दुपट्टे के साथ स्टाइल कर लो और कंफर्टेबल भी रहो और आपका लुक भी स्टाइलिश आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर मैंने स्टाइल करा था नेवी ब्लू कलर का बनारसी दुपट्टा और साथ में मैंने स्टड पहने थे बिग साइज के, तो उसके साथ इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। तो आप इस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हो वेडिंग वगैरह में, जो डेली में हम अगर कुछ सिंपल ड्रेस चाहते हैं बट लुक उनका अच्छा सा आ जाए, अगर दुपट्टा वगैरह कैरी कर ले तो उसके अकॉर्डिंग इसका लुक अच्छा है और कंफर्टेबल ड्रेस है, क्योंकि कॉटन की है तो वैसे भी कंफर्टेबल रहेगी और ब्लैक कलर जो होता है ना वो हमेशा स्टाइलिश लगता है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने ये वाला कुर्ती सेट एक्चुअली पिक करा था। नेक्स्ट जो मेरा आउटफिट होने वाला है वो ये, इसमें आपको कुर्ता मिलेगा, प्लाजो मिलेगी और दुपट्टा भी मिलेगा। अगर मैं कुर्ती के फैब्रिक की बात करूं तो कुर्ती का फैब्रिक कॉटन है और इस पे इस तरह की डिजाइन बनी हुई है, ये जो है यहाँ पे इसमें गोटा लगा हुआ है और इसका जो नेक है वो आपको वी नेक मिलेगा। स्लीव्स आपको 3/4 से थोड़ी सी कम मिलेंगी बट एल्बो भी नहीं है, एल्बो से शायद इसकी स्लीव्स थोड़ी ज्यादा है और यहाँ पे आपको इस तरह से फॉइल प्रिंट मिलेगा। इसका ये जो कॉम्बिनेशन है ना ब्लैक और गोल्डन का, थोड़ा सा येलोइश ऑफ वाइट है, तो उसके साथ इसका जो ब्लैक और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका जो फॉइल प्रिंट है ना उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पूरी कुर्ती पे आपको ये वाले फॉइल प्रिंट के आपको मोटिव मिल जाएंगे इस तरह से, इसका जो फ्लेयर है वो आपको गैदर्स के साथ मिलेगा। ये कोई अनारकली कट कुर्ता नहीं है और ना ही इसमें कलियां बनी हुई है, इसमें इस तरह से गैदर्स बन के ये कुर्ती इस तरह से बनी हुई है और यहाँ पे इसमें आपको डार्ट्स भी मिलेंगी, ये वाली डार्ट्स भी बनी हुई है फिटिंग के लिए। अगर मैं इसके फ्लेयर की बात करूं तो इसका फ्लेयर अच्छा है, इतना फ्लेयर आपको मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा वैसे नहीं है कि वाओ, बट हाँ कम फ्लेयर नहीं है, अच्छा खासा इसका फ्लेयर है और इसके नीचे आपको इतना सुंदर सा बॉर्डर मिलेगा। ये जो इसका बॉर्डर है ना ये इस कुर्ती सेट का जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा बना रहा है, अदरवाइज अगर मैं इस पे जाऊं तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट इस बॉर्डर की वजह से ये कुर्ती बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। बैक में भी सेम इसी तरह का आपको फुल बॉर्डर मिलेगा, ये वाला बॉर्डर आगे पीछे दोनों साइड है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। कुर्ती जो है वो थोड़ी सी आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगी, तो इसके नीचे आपको मैचिंग का कुछ पहनना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉटन है फुल, तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो बस ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी, अदरवाइज फैब्रिक बहुत अच्छा है, लुकिंग इसकी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं इसकी प्लाजो की, तो प्लाजो आपको फुल ब्लैक मिलेगी और प्लाजो की जो विड्थ है वो इतनी है और यहाँ पे आपको गोटे से यहाँ पे डिटेलिंग की गई, प्लाजो की जो विड्थ है वो अच्छी है और इसमें आपको ऑल ओवर इलास्टिक मिलेगा। अगर मैं इसकी फैब्रिक की बात करूं तो रियोन टाइप का इसका फैब्रिक है प्लाजो का और इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा आपको बनारसी स्टाइल में मिलेगा बट जो कॉटन बनारसी होता है उस तरह का आपको ये दुपट्टा मिलेगा और इसमें साइड में आपको ये वाला पैटर्न मिलेगा, पूरा बॉर्डर ये साइड में बना हुआ है और नीचे की साइड भी आपको ये वाला पैटर्न मिलेगा, नीचे इस तरह से टसल्स बनी हुई है। अगर मैं दुपट्टे की लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी है और इसकी विड्थ भी एक्चुअली बहुत अच्छी है, इतनी विड्थ आपको इस दुपट्टे की मिलेगी, तो आप इस दुपट्टे को जो अदर आपके कुर्ती सेट होते हैं तो उनपे भी आप स्टाइल कर सकते हो। तो ओवरऑल जो कुर्ती सेट है वो एक्चुअली जब मैंने इसको देखा था तो ये मुझे बहुत सी थ्रू लगा था, ट्रांसपेरेंट लगा था, तो तब मुझे लगा था कि ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट जब मैंने इसको स्टाइल करा तो ये
बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, इसका लुक बहुत ऑसम लग रहा था, पहनने के बाद ही बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट है तो आप इसके नीचे मैचिंग का डाल के आप इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हो, अदरवाइज इस कुर्ती सेट का लुक बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की कुर्ती सेट को जब आप स्टाइल करते हो ना अच्छे से तो बहुत अच्छा लुक आता है। इसको स्टाइल करा था इयररिंग्स के साथ जो मैंने मिंत्रा से ही परचेज करे थे, उनका लिंक अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मैंने इसके साथ ब्लैक कलर के फ्लावर यूज करे थे जूड़े में, तो उसके साथ इसका लुक ऑसम आ रहा था। तो ओवरऑल ये कुर्ती सेट जब आप स्टाइल करते हो तो इससे लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक कुर्ती है। ये एक्चुअली एकदम प्लेन कुर्ती, मैं प्लेन कुर्ती भी लेना चाह रही थी जिससे इस तरह की कुर्ती जो होती है ना इनको भी स्टाइल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये प्लेन होती है तो आप इस पे किसी भी तरह की आप ज्वेलरी स्टाइल कर सकते हो, किसी भी तरह का आप इस पे दुपट्टा स्टाइल कर सकते हो। अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो पॉलिस्टर वाला फैब्रिक है, और एक तो पॉलिस्टर होता है जो स्किन को इरिटेट करता है, और एक होता है थोड़ा कंफर्टेबल फील कराता है, सॉफ्ट होता है, तो इसका फैब्रिक आपको सॉफ्ट मिलेगा। इसकी जो नेक लाइन है वो फुल जो पैक नेक लाइन होती है वो वाली नेक लाइन है, और इसमें आपको फुल स्लीव्स मिलेंगी, और फुल स्लीव्स के साथ जो यहाँ पे इसमें इस तरह से इकट्ठी हो जाती है उस तरह की इसमें ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स को आपको थोड़ा फिटिंग कराना पड़ेगा क्योंकि ये लूज है। बैक से आपको इसमें की हॉल मिलेगा जिससे आप इजिली आप इसको पहन पाओ, और यहाँ पे इसमें आपको इस तरह से हुक भी मिलेगा। अगर मैं इसके फ्लेयर की बात करूँ तो इसका जो फ्लेयर है वो गैदर्स के साथ बना हुआ है, और इसका फ्लेयर बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक फ्लेयर आपको इसमें मिल जाएगा। इतना सारा फ्लेयर है जो कि अच्छा लग रहा है। नीचे भी आपको इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं मिलेगा, पूरा ये एक्चुअली प्लेन कुर्ता है, बट इस तरह के कुर्तीज को स्टाइल करना बहुत इजी है। मैंने इसको एक ड्रेस की तरह स्टाइल करा है विद हैवी नेक पीस, बट अगर आप चाहो तो इसके साथ दुपट्टा ऐड कर सकते हो, उसके साथ ज्वेलरी ऐड कर सकते हो, एक सूट की तरह भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, आप एक ड्रेस की तरह भी इसको स्टाइल कर सकते हो, इसके ऊपर कोई जैकेट वगैरह लेके भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो इस तरह की ड्रेसेस को आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह की प्लेन कुर्तीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उनको आप नॉर्मली भी पहन के जा सकते हो, और इस तरह की आप थोड़े से अगर फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो वहां भी आप इसको स्टाइल करके जा सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा कुर्ती सेट होने वाला है वो ये है। इसमें आपको कुर्ती मिलेगी, प्लाजो मिलेगी, और साथ में दुपट्टा भी मिलेगा। अगर मैं कुर्ती के फैब्रिक की बात करूं तो कुर्ती का जो फैब्रिक है वो रियॉन है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। इस तरह से इसके योक पे ये पैटर्न बना हुआ है, और ये जो पैटर्न है ना इस पे पूरा फॉयल प्रिंट हो रखा है, और यहाँ पे इसमें गोटे की डिटेलिंग हो रखी है। पूरी कुर्ती पे आपको इस तरह का फॉयल प्रिंट मिलेगा, और फॉयल प्रिंट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक्चुअली ये फॉयल प्रिंट हो रखा है, रेड और गोल्डन के साथ जो ब्लू का कॉम्बिनेशन है। नीचे की साइड इसमें कोई बॉर्डर नहीं मिलेगा, और इसमें जो स्लीट है वो आपको इतनी ही मिलेगी, बट ये पूरा जो ए लाइन टाइप कुर्ता होता है ना उस तरह से ही कुर्ता है, इसकी विड्थ नीचे से आपको इतनी मिलेगी। इसकी स्लीव्स का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, ए लाइन कट की जो डिजाइन होती है ना उस तरह की ये स्लीव्स बनी हुई है, और स्लीव्स पे भी इतना सुंदर सा इसमें बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ पे इसमें गोटे की जो पाइपिंग होती है वो लगी हुई है। अगर मैं इसके नेक की बात करूं तो राउंड नेक मिलेगा, और यहाँ पे छोटी सी इसमें स्लीट है। बैक से आपको इसमें पूरा जो फॉयल प्रिंट का जो पैटर्न है वो ही मिलेगा, एक्स्ट्रा इसमें कोई बॉर्डर नहीं है। अब बात करते हैं इसकी पैंट की, तो इसमें हाँ प्रॉपर आपको पैंट ही मिलेगी, और उसके नीचे इतना सुंदर सा ये बॉर्डर है, वैसे ही बॉर्डर है जैसा बॉर्डर इसकी कुर्ती के अंदर है। आगे की साइड आपको इसमें बेल्ट मिलेगा, और पीछे की साइड आपको इसमें इलास्टिक मिलेगा। इसके अंदर आपको पॉकेट भी मिलेगी, इसकी पैंट के अंदर दोनों साइड आपको ये पॉकेट मिलेगी। अगर मैं इसकी पैंट की फैब्रिक की बात करूं तो बहुत अच्छा इसका रियॉन फैब्रिक है। एक तो रियॉन होता है पतला होता है, और एक थोड़ा सा थिक होता है अच्छा वाला, तो इसका जो फैब्रिक है वो अच्छा वाला है, थिक फैब्रिक है। अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टे के नीचे की साइड आपको इस तरह से बॉर्डर मिलेगा, दोनों साइड दोनों दुपट्टों के नीचे की साइड ये बॉर्डर है, सेम वैसा ही बॉर्डर है जैसा बॉर्डर इसकी कुर्ती पे और इसकी पैंट पे लगा हुआ है। पूरे दुपट्टे के चारों तरफ आपको ये पाइपिंग मिलेगी जो कि गोटे की है। दुपट्टे की जो विड्थ है वो बहुत अच्छी है, इतनी विड्थ आपको मिलेगी,
और जो दुपट्टे की लेंथ है वो भी आपको 2.5 मीटर मिलेगी, तो ये चीज इसकी बहुत अच्छी है। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, सिफोन का फैब्रिक है और इसका सिफोन का फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं इस कुर्ती सेट की बात करूं तो ये A1 कुर्ती सेट है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, ना इसके फैब्रिक में कमी है, ना इसके प्रिंट में कमी है, ना इसके कलर में कमी है, ना इसके दुपट्टे में कमी है, ना इसकी प्लाजो में कमी है। तो ओवरऑल ये वेडिंग स्पेशल कुर्ती है, आराम से आप इसको वेडिंग में, मेन फंक्शन में भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि नाइट में जो ये फॉयल प्रिंट है ना, इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आता है। इसको मैंने एक गजरे के साथ और इयररिंग्स के साथ, झुमकों के साथ स्टाइल करा था। झुमके मैंने लोकल मार्केट से परचेज करे, बट जो गजरा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ओवरऑल ये कुर्ती सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सभी कुर्ती सेट बहुत अच्छे लगे, प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे हैं। जिनकी जितनी प्राइस है, अगर उस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं उनके कंपेयर करूं तो सभी कुर्ती सेट बहुत अच्छे लगे। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।